अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बना रहे हैं प्याज के पकौड़े यानी कि प्याज के भजिए। आपको तो पता है बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। ये बनाने के लिए मैंने लिया है पर मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन या जीरा दो में से एक ले सकते हैं। मैंने लिया है 1 कप बेसन, नींबू और प्याज आपके अकॉर्डिंग। मैंने लिया है यहाँ पर हरी मिर्च, मैंने लिया है करी पत्ता और खाते में ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। प्याज को हम अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से कट करना है मैं ये भी आपको बताऊंगी। ये रहे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स को हम साइड में कर देंगे। करने के बाद हम लेंगे एक बाउल, बाउल में हम काटेंगे प्याज। प्याज देखिए इस तरीके से आपको करना पड़ेगा ताकि जब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें, हाथ से स्मैश करें, तो उसके पेटल्स अलग हो जाए इस तरीके से। तो मैंने लिया यहाँ पर एक पैन, पैन में डाल रही हूँ ऑयल। जब तक ये गर्म होता है हम काट लेंगे हमारी हरी मिर्च, खत्ते में और हमारा करी पत्ता। इनको हम अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। बहुत भी ज़्यादा नहीं काटना है आपको, मीडियम से ये काटना है। और गाइस देखिए इसे अच्छी तरीके से हम मसाले डालने से पहले स्मैश कर लेंगे। मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बड़े बाउल में ताकि ये मिक्स करने के लिए आसान हो। आप भी एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना। स्मैश करने के बाद मैं इसमें डालूँगी हमारे सारे मसाले। मसाले भी डालकर मैं अच्छी तरीके से स्मैश कर लूँगी। देखिए किस तरीके से मैं स्मैश कर रही हूँ ताकि जब तक ये सारे पेटल्स अलग अलग नहीं हो जाते तब तक हमें स्मैश करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। हम सारा बेसन एकदम नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करे हैं। पहले तो मैंने ऐड किया था थोड़ा, फिर से मैं ऐड कर रही हूँ ये सेकेंड ट्रिप। देखिए इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम डालेंगे जो हमारा बचा हुआ बेसन था उसे भी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस ड्राई रोस्ट मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। 4 to 5 टेबलस्पून पानी हम ऐड करेंगे, आपके बैटर के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आपका बैटर इस तरीके से होना चाहिए। जब हम इसे लाइक इकट्ठा राउंड बॉल बनाना चाहेंगे तो ये लाइक बनना चाहिए और ब्रेक भी आसानी से होना चाहिए, लाइक बहुत ही गाढ़ा नहीं रहना चाहिए। तो हमने लिया है पैन जो कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम एक एक टिक्की डालेंगे इसमें बनाकर। चाहे तो आप टिक्की ना बनाए, थोड़ा थोड़ा भी करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टाइप के बनाए हैं। मैंने यहाँ पर एक फुलफुला डाली हूँ और एक टिक्की टाइप बना के डाली हूँ ताकि ज़्यादा ऑयल अब्जर्व ना हो। आप इस तरीके से डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल अब्जर्व होगा इसमें पकौड़ों में। अगर नहीं तो मैं बताऊँगी लाइक सेकेंड जो बैच है उसमें मैं बताऊंगी लाइक ज़्यादा ऑयल कैसे ना ऑब्जर्व हो। तो देखिए इस तरीके से लाइक बाज़ार वाले पकौड़े आप बना सकते हैं घर पे ही, बहुत ही आसान है। आपको इन्हें फ्राई करते रहना है। पहले तो मैंने रखी थी मीडियम फ्लेम, अभी मैं रखी हूँ फास्ट हाई पे। देखिए कितने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इसे काट लेना है एक टिश्यू पेपर के ऊपर। आपने क्या करना है, एक रखना है प्लेट, उसके ऊपर डालना है टिश्यू पेपर और इसे आपने काट लेना है ऐसे लाइक ऑयल को निकालते हुए आपने काट लेना है सारों। तो ये हो गए हमारे बाज़ार वाले पकौड़े जो कि मिलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर बनाया थोड़ा टाइट से टिक्की बनाई है और मैं इनको फ्राई कर लूँगी। जब आप इसे ऐसे टाइट से बनाते हो तो लाइक ज़्यादा ऑयल अब्जर्व नहीं होएगा। तो ये बनेंगे कुछ इस तरीके से, सेम टेस्ट तो वही रहेगा लेकिन ज़्यादा ऑयल अब्जर्व नहीं होएगा। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी है। आप इसे घर पे ही आसानी से बना सकते हैं। चाय के साथ एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल न्यू है
और सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। तो देख सकते हैं इसका साउंड लाइक कितना क्रिस्पी है। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।